दोस्तों आज हम एक और इम्प्रोवाइजेशन करेंगे और आज के इम्प्रोवाइजेशन में हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, क्योंकि एज एन एक्टर जो भी हम इमोशंस फीलिंग्स जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमारी नहीं होती, वो कैरेक्टर की होती है। अक्सर लोगों को ये कहते सुना जाता है कि यार एक्टिंग तो जो हम रियल लाइफ में बोलते हैं वो एक्टिंग है। एक आदमी पुलिस वाला होता है, एक आदमी चोर होता है, एक आदमी डॉक्टर होता है, वो सब एक्टिंग करते हैं, सब अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग करते हैं, सब रियल लाइफ में भी एक्टिंग करते हैं। बट एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि रियल लाइफ में जो हम एक्ट करते हैं या जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो इमोशंस हमारे होते हैं, फीलिंग्स हमारी होती हैं, हम बिहेव करते हैं, हमारा एक पर्सनल कैरेक्टर होता है, हम उस कैरेक्टर के हिसाब से बिहेव करते हैं। तो जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हम बिहेव करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा अपना पर्सनल कैरेक्टर क्या है। और वहीं एक्टिंग में क्या होता है, एज एन एक्टर आपको सपोज एक्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर बताया जाता है, उस कैरेक्टर की डिटेल्स आपको बताई जाती है। तो अब आपको जो बिहेव करना है उस कैरेक्टर के थॉट के हिसाब से, कैरेक्टर के इमोशंस के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको सोचना है, उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है। यानी कि सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है जो बिल्कुल अलग है, तो उस कैरेक्टर के थॉट को समझना, उसको अपने अंदर फील करना और उसके हिसाब से फिर बिहेव करना। ये एक्टिंग में और रियल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। यही लोग मार खा जाते हैं क्योंकि रियल लाइफ में ठीक है हम एक्टिंग करते हैं बट हम अपने हिसाब से बिहेव करते हैं, अपने कैरेक्टर के हिसाब से बिहेव करते हैं। और रियल लाइफ में जब हम कहीं हम एक्ट करते हैं तो उसका पर्पस अलग होता है, रीजन अलग होता है। वहीं जब हम एज ए प्रोफेशनल एक्टर जब हम कैमरे के सामने एक्ट करते हैं तो वहाँ पर्पस अलग होता है, रीजन अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। और जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है वो टोटली अलग होती है, जिनको हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज मेरा नाम है संजीव चौहान और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर, तो ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर वहां जो मैं बिहेव करूंगा तो वहां जो मेरा बिहेवियर होगा मेरे अपने पर्सनल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होगा। एज ए संजीव चौहान मेरा कैरेक्टर क्या है, तो वहां जो उस इंस्पेक्टर के तौर पे मैं बिहेव करूंगा तो वहां जो मेरा अपना पर्सनल कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग मैं बिहेव करूंगा। वहीं अगर मुझे कैरेक्टर दिया जाता है प्ले करने के लिए, कोई फिल्म में सीरियल में कोई कैरेक्टर दे दिया एक्स वाई जेड, सपोज नाम हम मान लेते हैं, सपोज देवकी नंदन शर्मा कैरेक्टर का नाम है, आपको एक अलग नाम दे दिया। शर्मा जी ने हिंदी साहित्य में एमए किया है, एक और चीज ऐड हो गई, तो यहाँ ये हो गया कि उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया है तो हिंदी पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। शर्मा जी जो है बजरंग बली के भक्त हैं, और ऐड हो गई, बजरंग बली के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं तो फिर वो शुद्ध शाकाहारी भी होंगे, राम भक्त भी होंगे। फिर वो बात करते करते बातचीत में जय बजरंग बली हनुमान जी का नाम भी लेते होंगे और एटलीस्ट उन्हें जो हनुमान जी की दोहा चौपाई रामायण वगैरह ये सब भी सबकी भी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट हनुमान चालीसा तो याद होना ही चाहिए। और फिर वहां वो जो कैरेक्टर जो बिहेव करेगा इन सब ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, उसका बोलना, उसका चलना, उसका बात करना इन चीजों के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो वहां उस जगह पे उस सिचुएशन में अगर सपोज मैं ये कैरेक्टर प्ले करता हूं तो एज ए संजीव चौहान बिहेव नहीं करूंगा, एज ए देवकी नंदन शर्मा, और उसकी जो भी ब्रीफिंग है जो मुझे बताया गया है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग फील करते हुए बिहेव करूं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि किसी हमारे एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कैरेक्टराइजेशन के बारे में। तो कैरेक्टराइजेशन हाँ तीन स्टेप में बताता हूं, किसी भी कैरेक्टर को फॉलो करने के लिए हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, नो अबाउट द कैरेक्टर मीन्स जो भी आपको कैरेक्टर दिया गया है, किरदार दिया गया है, उस किरदार के बारे में पूरी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए, क्या करता है, कैसे करता है, उसका एजुकेशन क्या है, उस
कि बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि इन चीजों से आपको ये समझ में आएगा कि वो कैरेक्टर कैसे सोचता है, कैसा फील करता है। ये सब जानकारी होने के बाद सेकंड जो स्टेप आता है, फील लाइक द कैरेक्टर। अब जैसे वो कैरेक्टर फील करता है वैसा आपको फील करना है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, बिहेव लाइक द कैरेक्टर। तो किसी भी कैरेक्टर को फॉलो करने के लिए हम ये तीन स्टेप को फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी स्टूडेंट ने पूछा था, सर कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताइए, और दो कैरेक्टर भी उसने बोले थे कि एक साइको और एक पागल, दो कैरेक्टर जरा हमें दिखाइए। तो आज हम क्या करेंगे, एक साइको कैरेक्टर हम एक दो परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। साइको और पागल मिलते जुलते से ही कैरेक्टर हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट है डिफरेंट है। अब साइको मीन सन की, अब साइको उनके अपने लॉजिक होते हैं, अपने रीजनिंग होती है, जिस चीज को उन्होंने सही मान लिया वो सही है, जो चीज उनकी नजर में गलत है वो गलत है, कोई चीज उन्हें चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करके चाहिए। तो अब एक दो कैरेक्टर, एक दो परफॉर्मेंस हम देखते हैं, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे, और आप भी देखिए और ऑब्जर्व करके और इस तरह का प्रैक्टिस करने की कोशिश फिर आप कीजिए। चलिए हम देखते हैं, एक्शन। नहीं मरा, कभी दरवाजा खोलता हूं तो वो उधर है, उधर ही खड़ा रहता है। नहीं तो ऐसा लगता है मेरे साथ है। कभी मैं रोता हूं तो भी रोती है, कभी मैं हंसता हूं तो हंसता है, उसको वो गाना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो गाना दिया उसे मैं, मार दिया। वो उस दिन घर आया था, ये दरवाजा खोला उसका, वो नहीं था। नहीं बैठा, मैंने उसको देखा ध्यान से, वो बैठी थी उधर, फिर मैंने उसका मुंह पे प्लास्टिक डाल के दबा दिया। ओ, ऐसे ऐसे करी थी, ऐसे ऐसे प्यार को ऐसे ऐसे करी थी, बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा आया। चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, कैसे बचाओ 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 बचाओ, कोई सुना नहीं, कोई सुना नहीं, बहुत मजा आया मुझे, कोई नहीं सुना उसको। लेकिन कोई ना है जो ना मेरे पीछे रहता है हमेशा, वो देखो देखो कोई रहता है मेरे पीछे, और बोलता भी है बचा बचा बचा। मैं तो डर जाता हूं,
मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। रोती भी है वो, रोती है वो, मैं भूल गया। वो पेन से ना ऐसे ऐसे करके वो लिखना, मैंने मार दिया उसे। वो डॉक्टर सब बोला था उसको, अगर कोई पीछे बोलता है तुमको तो वो तुम्हारा भैम है, इसलिए मैंने दरवाजा खोला। वो आई, मैंने बैठा, मुझे डॉक्टर साहब ने जो बोला था मैंने वही किया, मार दिया। हाँ मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। क्या सोचा था, क्या फील किया? एक्चुअली सर
मेरे लिए सबसे पहले तो ये एक कैरेक्टर था जो साइको का, तो मैंने सबसे पहले साइको के बारे में सोचा कि वो कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। फिर मैं बैठा था, मच्छर काफ़ी परेशान कर रहे थे, तो अचानक से मेरा माइंड जो है एक साइको की तरह काम किया और मैं एक मच्छर को पकड़ने की कोशिश की और एटलीस्ट मैंने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद से फिर जैसे एक साइको करता है पागलपन, एक उसे मारना, फिर खुद पे भी अफसोस करना कि क्यों मारा मैंने, तो वही चीज़ें हुआ। मैंने उसका कैरेक्टर को लेके किया। मैं उस समय यही फील कर रहा था कि मैं एक नवीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक साइको कैरेक्टर हूँ। तो मीन्स किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उस कैरेक्टर के जैसा सोचना और फील करना जरूरी है। जी सर, सबसे पहले तो वैसा सोचना, वैसे कैसे एक साइको करते हैं, क्या करते हैं, वो कैरेक्टर कैसा है, क्या करता है, वो चीजें होना, सोचना, फील करना बहुत जरूरी है, तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो फील नहीं आएगा। नहीं आएगा, चलो ठीक है। तो अभी ये आपने देखा, ये साइको की जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी, कैसे बिहेव किया इन लोगों ने, और जैसा नवीन ने बताया कि बिल्कुल उसको उसने साइको के जैसा सोचा, वैसा फील किया और फिर उसने वैसा बिहेव किया, तो ऐसा ही करना हमें भी। अलग अलग कैरेक्टर्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, उनके जैसा सोचिए, फील कीजिए और फिर वैसा, अब फिर उसके अकॉर्डिंग आप वैसा बिहेव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एज एन एक्टर जहां भी हम जाएंगे काम करने के लिए, सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर दिया जाए, एक अलग पहचान दी जाएगी और हमें उस कैरेक्टर के हिसाब से सोचना होता है, उसके हिसाब से बिहेव करना होता है। और होता कैसा है कि जब आप शूटिंग में जाते हैं, जब आप ऑडिशन में जाते हैं, तो जब भी आपको शूटिंग के लिए, ऑडिशन के लिए फोन आता है, तो सबसे पहले आपको ना कैरेक्टर बताया जाता है कि सर ये कैरेक्टर है, ताकि वहां जाने तक, वहां या जाने से पहले आप एज ए मेंटली उस कैरेक्टर के हिसाब से आप सोचना शुरू, वैसी फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट हो जाएंगी। जैसे हम लोग शूटिंग में जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हमें कैरेक्टर बता दिया जाता है, तो हम जब घर से निकलते हैं तो हम उस कैरेक्टर की फील को डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो फील डेवलप आने होने लग जाती है। फिर जब हम सेट पे पहुंचते हैं, वहां मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम आती है, तो फिर हम वो टोटली उस कैरेक्टर में चले जाते हैं और सिचुएशन जब हमें बता दी जाती है, तो फिर उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम उस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, फील करना शुरू कर देते हैं। और जब स्क्रिप्ट मिलती है तो उसके बाद जाके सिर्फ वो लाइनों को समझ के बोलना भर बाकी रहता है। तो आप भी इस तरह से कैरेक्टर्स को फील करने की, उनको परफॉर्म करने की प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए।